नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। बिहार की अदालत में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ मुकदमा दायर। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून से पूर्व उत्तरी राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। सेना प्रमुख ने पूर्वी लद्दाख में सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया। योगी सरकार का 1 करोड़ रोजगार देने का मेगा शो, प्रधानमंत्री रहेंगे ऑनलाइन मौजूद। एनसीईआरटी का 2020-21 के लिए नया रोड मैप जारी। कांग्रेस ने अरुणाचल में चीनी घुसपैठ को लेकर सरकार पर निशाना साधा। ओडिशा डीजीपी की अपील, पुरी की यात्रा न करें, दर्शन की अनुमति नहीं है। दिल्ली में अकेले 23 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं चरणजीत। रक्षा मंत्री राजनाथ ने व्यापारिक वार्ता बाद मॉस्को में विजय दिवस परेड में हिस्सा लिया। पेट्रोल की महंगाई पर लगा ब्रेक, डीजल के दाम में बढ़ोतरी 18वें दिन भी जारी। दक्षिण भारतीय अभिनेत्री शमना कासिम को धमकाने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। विश्व कराटे संघ ने रद्द की भारतीय कराटे संघ की मान्यता। यूजीसी विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए तय करेगा नए दिशा निर्देश।